ये पांचों विकलांग व्यक्ति हैं, देखिए गौर से, पैर दिखाइए अपना सर, ये इनका पैर देखिए, इनका ये इनका पैर देखिए, और ये इनका पैर देखिए, ये भैया का पैर देखिए, और ये भैया का हाथ नहीं है, ये भैया का हाथ नहीं है। बोलिए भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से यही कहना चाहते हैं हम लोग, और विलम्ब हम सब का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग 3 साल से परेशान हैं, इसलिए हम बोलना चाहते हैं सरकार को कि हम लोग का जो है नोटिफिकेशन सपना चरण 1-8 का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया। बस यही, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए क्या बोलिएगा? हम लोग को ये बोलते हैं घर से पहले संपर्क नहीं करके आकर के पटना गर्दनी बाग जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, सब मिल करके आइए और हम लोग का ये जो आंदोलन है कामयाब बनाए। बस यही बोलना चाहते हैं सर हम। सर आप अपने घर के बारे में कुछ बता सकते हैं? घर के बारे में जी, मैं घर में अकेले छोटा भाई, मैं एक छोटा भाई है, हम बड़े हैं। बोलिए सारा चीज में अबू की किसान है, जो कि हम लोग बहुत मजबूर है, बहुत मेहनत से हम पढ़ लिख करके यानी सारे करेगा, हम लोग अपना पढ़ा करके अपना कोचिंग चला करके तब हम बीएड किया है, बीएड करके बाद ये सीटेट पास किया है। अब 3 साल से बैठे हुए सरकार क्या निकाल रहा है, अब निकाल रहा है क्या हम लोग का नौकरी हो जाएगा, बहुत इंतजार किए। उसके बाद इतना धरना प्रदर्शन हुआ 26 तारीख को, जो हम लोग को रगत करके खदरा गया, उस समय हम लोग भी मतलब पूरी जगह नहीं देखा कि दिव्यांग है क्या है, तब उस समय भी हम लोग को खदर के भगाया, सरकार इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। हम लोग सबों अफेस के लिए नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए आए थे, अभी पटना में 10 दिन से हम लोग अभी परेशान है, इतना गर्मी में है, 45 डिग्री में अभी हम लोग पटना में गर्मी में बैठे हुए हैं। सरकार का कोई आश्वासन अब तक नहीं दिया, नहीं कोई दिन का लेटर जारी किया। हम लोग यही बस गुजारी है सरकार से कि हम लोग का जो लेटर जल्द से जल्द जारी कर दे, हम लोग खुद कर देता है। आप अपना साक्षरता साबित कर सकते हैं? जी जी, हम कर सकते हैं, लिख करके बता सकते हैं। देखिए ये विकलांग है, पकड़िएगा और ये लिख के बता देंगे, साबित करके बताएंगे कि ये कितना क्या थे। ये सरकार को देखना चाहिए कि जिसका हाथ नहीं है, देखिए हाथ वाला ऐसा नहीं लिख पाएगा जैसा विकलांग होकर लिख रहे हैं। विकलांग नहीं है सर, मानसिक रूप से विकलांग है जो घर पर बैठे हुए हैं। देखिए जिनके हाथ नहीं थी, जिनको अभी तक सुन रहे थे, ये सरकार के पास पहुंचाइए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कला को देखें और इस मेहनत को देखें। थैंक यू।